डूइंग टॉपिक इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, तो ये आप कर सकते हो। यस, पहले तो यस में आंसर देना है, फिर साथ में से जस्टिफाई करना है कि क्यों होना चाहिए कंपटीशन। कंपटीशन होगा, हर कोई बेस्ट वर्क करेगा, बेस्ट पॉलिसीज बनाएंगे कैंडिडेट्स। पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज ट्राई टू मेक इट्स पॉलिसीज प्रोग्राम्स बेस्ट, उनका मैनिफेस्टो हमेशा बेस्ट होएगा। और साथ में समटाइम्स पीपल ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स गेट बेनिफिट्स, क्योंकि उनकी डिमांड्स पूरी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप इंडिया में बता सकते हो कि कब कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ही एससी एसटी की सीट्स का आप कहोगे कि रिजर्वेशन के लिए आवाज उठाई होगी, इन लोगों को भी फायदे होते हैं। तो देयर शुड बी पॉलिटिकल कंपटीशन, होना चाहिए कंपटीशन। कंपटीशन होएगा तो बेस्ट जो कैंडिडेट्स हैं वो रूल कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑनेस्ट डिजर्विंग कैपेबल कैंडिडेट्स रूल कर पाएंगे अगर कंपटीशन होएगा। लोग उसी की फेवर में वोट करेंगे जो अपनी पॉलिसीज प्रोग्राम्स बेस्ट लोगों के सामने लेके आएगा। तो इस वे से आप बताओगे। अब नेक्स्ट इसमें आप पढ़ते हो, टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पेपर में ये टॉपिक 1 मार्क में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, डिपेंड व्हाट डू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। तो इसको आपने कहना फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। अगर तो आप कंट्री का ही करो, फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स नोन एज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स known as parliamentary constituencies। तो ये constituencies जो होती है ना, इनका area, population जो होती है roughly same होती है, roughly, ठीक है, मैंने roughly बोला। तो constituencies at present in India are 543, कितनी है? You have to learn for 1 mark question, at present in India there are 543 constituencies। अब 543 में से इट्स गिवन हियर ऑन दिस पेज, ये दिया हुआ है, इट्स गिवन हियर 543 में से 412 जो हैं वो जनरल कैटेगरी की हैं। किसकी हैं? जनरल कैटेगरी की। 412 आर फॉर जनरल कैटेगरी। एंड एससी की कितनी है? रिजर्व 84 रिजर्व। फिर एसटी की कितनी है? आप इनको काउंट कर लोगे तो 543 बन जाएगी। तो फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स नोन एज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पॉलिटिकल पार्टीज सिलेक्ट देयर कैंडिडेट्स फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड कैंडिडेट दैट गेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड विनर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी। वही कैंडिडेट कहते हैं इलेक्ट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंसी में से, उसी को सिलेक्ट करना चाहिए जिसके साथ पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसको हमने सिलेक्ट किया फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस गर्ल को हमने सिलेक्ट किया फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, योर नेम इज इश्मीत, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। अब इसके साथ इश्मीत के साथ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलर सपोर्ट भी होनी चाहिए, आप लोगों की पॉपुलर सपोर्ट भी होनी चाहिए इसके साथ, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट सिलेक्ट करती हैं फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंसी, कैंडिडेट दैट गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड विनर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी। एट प्रेजेंट इन इंडिया देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी, आउट ऑफ 543 412 आर फॉर जनरल कैटेगरी, 84 किसके लिए? एससी, 47 फोर एसटी। तो इस वे से कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी हुई हैं। और अगर हम स्टेट की बात करें तो हर स्टेट की डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें गोवा की 40, पंजाब की 117, ठीक है, आप हरियाणा की कल आपने पढ़ा 90, है ना। तो हर स्टेट की अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं।
तो इस वे से हम कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिपेंड अपॉन द, ये एरिया मैंने बोला है, एरिया और पॉपुलेशन पे डिपेंड करता होता है। गोवा एक स्मॉल स्टेट है, तो गोवा की कम होंगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उत्तर प्रदेश की ज्यादा होंगी लार्जेस्ट। जैसे जैसे हम कहेंगे स्टेट्स बड़ी हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी ज्यादा होंगी। तो यहाँ पे हमने सिर्फ कंट्री की बात की है, कंट्री की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम कहते हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एक तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का आपको टॉपिक आना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आए व्हाट डू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो कैन यू राइट फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन कंट्रीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, दैट इज नोन एज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एंड फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज पोलिटिकल पार्टी सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स, कैंडिडेट दैट गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड विनर। ठीक है, फिर हम कहेंगे लोग कौन इलेक्ट करता है, थ्रू इलेक्शंस पीपल, जिसको ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं दैट इज डिक्लेयर्ड विनर। फिर हम कहेंगे कि एट प्रेजेंट इन इंडिया, जब ये सारे पॉइंट्स आप लिखोगे तो आपका 5 मार्क्स का ये टॉपिक बन जाएगा। इंडिया में एट प्रेजेंट 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 412 फोर जनरल, 84 फोर एससी, 47 फोर, तो ये इस वे से आप सारा बताओगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स। अगर आपका फिर भी शॉर्ट पड़ रहा है तो आप ये बता सकते हो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इनका एरिया और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये रफली सेम ही होता है, एरिया एंड पॉपुलेशन रफली सेम होता है, तो उस वे से ये डिक्लेयर करते हैं। और अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं तो हर स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। आप ये पॉइंट्स ऐड करके इसको और बड़ा कर सकते हो, एलेबोरेट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट इज वोटर्स लिस्ट। अगर पेपर में आए राइट अबाउट वोटर्स लिस्ट, या वोटर्स लिस्ट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे इसमें, कि वोटर्स लिस्ट इज टू बी रिवाइज्ड एंड प्रिपेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन। हर इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जाता है, वोटर्स लिस्ट इज टू बी रिवाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन बिफोर इलेक्शंस। अब उस वोटर्स लिस्ट में वोटर्स के नेम लिखे होते हैं, ठीक है, तो फिर ये सर्वे करवाते हैं। दिस सर्वे इज डन बाय टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। फिर आप बताओगे इसमें नेम्स ऑफ न्यू वोटर्स आर एडेड इन दिस लिस्ट। जो नए वोटर बनते हैं ना, आप कल को वोटर्स बनोगे, ठीक है ना, आप जब 18 के हो जाओगे तो आप वोटर बन जाओगे, तो आपके नेम उस लिस्ट में आ जाएंगे। नेम ऑफ न्यू वोटर्स आर एडेड इन दिस लिस्ट, एंड फिर आप साथ में बताओगे बोगस वोटर्स, वो नेम, बोगस वोटर्स के नेम्स जो होते हैं वो डिलीट होते हैं इसमें, डिलीट करते हैं वो, आर टू बी डिलीटेड फ्रॉम दिस लिस्ट। समटाइम्स किसी की डेथ हो जाए किसी वोटर की, कोई शिफ्ट हो जाए किसी दूसरी कंट्री की रेजिडेंसी ले ले, तो ऐसे वोटर्स के नेम उस लिस्ट में से डिलीट किए जाते हैं। एंड दिस वर्क इज डन बाय कौन, ये सारा रिवाइज वो का वर्क करता है इलेक्शन कमीशन। प्रॉपर सर्वे करवाते हैं वो, तभी तो इलेक्शन कमीशन का टेन्योर कितना रखते हैं, 6 ईयर्स, क्योंकि सारा एक साल पहले वो प्रेपरेशन करते हैं, सारी प्रेपरेशन पहले से करते हैं वो, पहले सारी ईवीएम वगैरह जो गवर्नमेंट मशीनरी ये सब चेक होती है कंट्री में, कि उस एरिया जिस एरिया में इलेक्शंस होने होते हैं जिस स्टेट में भी, कि उस स्टेट की सारी ईवीएम वर्किंग है ना, कुछ उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है ईवीएम में। ईवीएम का मतलब पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उस वोटिंग मशीन पे पता क्या होता है, एक तो कैंडिडेट का नेम लिखा होता है, ठीक है, फिर साथ में सिंबल बना होता है ऑफ द पार्टी। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी का कैंडिडेट है, साथ में लोटस बना हुआ है, ठीक। अब इंडिया में हम कहते हैं कि सारे लोग एजुकेटेड नहीं है, आप अपनी मेड ही ले लो, उसको जाके कैंडिडेट का नाम तो नहीं पढ़ना आएगा ना, है ना, वो वहां जाके सिंबल को देख के वोट डाल देगी, ठीक है, हैंड बना हुआ है तो कांग्रेस की फेवर में उसने वोट डालनी है, जो भी उस जिस जिसको भी उसने वोट डालनी है तो वो सिंबल देख के वोट डालेंगे। एजुकेटेड लोग तो कैंडिडेट का नेम ही पढ़ लेते हैं, एंड प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट। वहां पे बटन बने होते हैं ईवीएम में, और कैंडिडेट क्या करते हैं ऐसे, वहां पे ईवीएम पड़ी होती है ऐसे साइड पे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे, तो ऐसे जैसे ये यहाँ पे ईवीएम पड़ी है,
वो इधर बैठे हैं, इधर इंक लगाते हैं आपके हाथ में, और आप जब जाते हो तो आप वहां पे जाके बटन प्रेस करते हो। मीन्स ये इसको बैठी को क्या पता मैंने कौन सा बटन प्रेस किया, किसी को नहीं पता। आप किधर बैठे हो ना, आपको क्या पता मैंने कौन सा बटन प्रेस किया। तो वो सीक्रेट कोई नहीं होता वहां पे। तो वोटिंग इन इंडिया इज डन बाय सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग होती है। एक तो वोटर्स लिस्ट आपको लर्न करना है। नेक्स्ट इज, अब आपका आ गया रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। वो घर घर जाके पूछते हैं कि कितने किसी की डेथ तो नहीं होगी, अगर कोई वोटर का किसी का नाम कटना है, जैसे घर में कोई नए वोटर तो नहीं बन गए आपके घर में, जैसे आए तो आप 18 के हो गए तो आप वोटर बन गए ना, फिर आपका नेम ऐड करवाया जाएगा, आपके फैमिली मेंबर्स ऐड करवाएंगे। अब नेक्स्ट इज रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है, मैंने अभी पढ़ाया कि 84 फॉर एससी 47 फॉर एसटी, अभी मैंने पढ़ा। ये रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्यों, व्हाई, ऐसी क्या बात हुई कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ गई। सबसे पहले तो आप एक स्टोरी सुनो कि दलित होते थे, दलित, ठीक है, दलित पता है ना, पढ़ा होएगा। बी आर अम्बेडकर के बारे में भी पढ़ा होगा। बी आर अम्बेडकर फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर ने कसम खाई थी कि जब वो बड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब वो बच्चे थे ना, 9 ईयर ओल्ड थे, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। ये कल मैंने 9th B में स्टोरी सुनाई थी, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, बी आर अम्बेडकर के साथ, हाँ, ट्रेन वाला, तो इनजस्टिस हुआ था। तो बी आर अम्बेडकर ने तब मन में ये बात ठान ली थी कि वो इस को खत्म करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन को। फिर इनको अनटचेबल्स भी कहा गया, गांधी जी ने इनको नाम दिया हरिजन का, भगवान के बंदे, हरिजन, हरि मीन्स भगवान, जन मीन्स लोग, भगवान के बंदे हैं वो, कहते ये। तो गांधी जी ने इन लोगों के लिए आवाज उठाई कि इनकी कंडीशन इंप्रूव होनी चाहिए। गांधी जी हिमसेल्फ क्लीन द टॉयलेट्स, इनके काम को इम्पोर्टेंस देने के लिए गांधी जी ने खुद इनके काम किए, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर ने मांगा सेपरेट इलेक्टोरेट। उन्होंने कहा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, तब भी जब तक हम लोग पावर में नहीं ना आएंगे तब तक कंडीशन इंप्रूव नहीं होगी। बी आर अम्बेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दीज पीपल। तो गांधी जी ने मना कर दिया कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे। गांधी जी डिक्लेयर्ड फास्ट ऑन टू डेथ, अंजल त्याग के, उन्होंने अंजल त्याग दिया गांधी जी ने। तो बी आर अम्बेडकर उस टाइम इंडिया में जो गवर्नर जनरल थे तो वो थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन चाहता था कि ये डिवीजन हो जाए। लॉर्ड इरविन वाज ऑन द साइड ऑफ बी आर अम्बेडकर। उनको था कि महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर आपस में लड़ेंगे, इनमें झगड़े होंगे, अपने आप इंडिया की डिवीजन होगी। तो गांधी जी ने कहा कि हम, मैं सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दूंगा, झगड़े हुए। फिर बी आर अम्बेडकर को मानना पड़ा महात्मा गांधी की बात, उन्होंने मानी। इनमें आपस में पैक्ट साइन हुआ महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर में, पूना में, ठीक है। और वो साइन हुआ था 1932 में दोनों में एक समझौता हुआ, बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि सीट्स रिजर्व हो गई इन लोगों के लिए। गांधी जी ने कहा कि आपकी सीट्स रिजर्व कर देते हैं, बट यू पीपल हैड टू बी वोटेड इन जनरल इलेक्टोरेट, नॉट इन सेपरेट। अभी इंडिया में आप देखते ही हो कि जनरल इलेक्टोरेट है, सेपरेट नहीं है। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट होते तो डिवीजन होनी थी, जनरल है। कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी सीट्स रिजर्व है, बट इलेक्टोरेट वो जनरल ही है। तो गांधी जी ने इनको कहा कि आपको सेपरेट नहीं मिलना, यू हैड टू बी वोटेड इन जनरल इलेक्टोरेट। तो सीट्स वर रिजर्व फॉर दीज पीपल इन गवर्नमेंट बॉडीज, इनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी। लेटर दीज पीपल केम टू बी नोन एज एससी एंड एसटी। तो अब मैं पूछ रही हूँ आपसे, ये तो मैंने वैसे आपको एक बैकग्राउंड बताई स्टोरी, अब मैं पूछ रही हूँ Why there is need of reserved constituencies? Reserved क्यों होनी चाहिए? So that these people also have say in politics.
ताकि इन लोगों की भी पॉलिटिक्स में सुनवाई हो सके, ये लोग भी अपनी आवाज उठा सके पॉलिटिक्स में, ताकि इनकी इनको कोई डोमिनेट ना कर सके। अगर ये लोग पावर में रहेंगे, अगर ये लोग अपनी आवाज पॉलिटिक्स में उठा सकेंगे, तो इनको कोई भी डोमिनेट नहीं करेगा, इनकी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव रहेगी, इनको हर तरह की फैसिलिटीज मिलेंगी, कहीं भी कंट्री में ये लोग इग्नोर नहीं रहेंगे। तो इट मीन्स रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्यों होती हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो क्यों दी गवर्नमेंट ने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, टू प्रमोट द डिग्निटी ऑफ इट्स सिटीजंस, अपने लोगों की डिग्निटी रिस्पेक्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने रिजर्व्ड कर दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के दीज पीपल, ये जो लोग हैं एससी एंड एसटी, दे आल्सो हैव से इन पॉलिटिक्स, से मीन्स एस ए वाई से मीन्स इन लोगों की भी आवाज सुनी जाए, दे आल्सो हैव से इन पॉलिटिक्स, इनको कोई इग्नोर ना कर पाए, ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स हाईलाइट कर सके। अगर ये लोग पावर में रहेंगे तो अपनी प्रॉब्लम्स हाईलाइट करेंगे, इनके साथ इनजस्टिस नहीं होएगा सोसाइटी में। अर्लियर दीज पीपल हैड टू फेस लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, पहले तो इन्होंने बहुत फेस किया, बट अब गवर्नमेंट ने डिग्निटी को प्रमोट करने के लिए, टू प्रमोट द डिग्निटी ऑफ इट्स सिटीजंस, गवर्नमेंट ने अब कौन सा स्टेप उठाया, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया, सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी एंड सीट्स इन गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है, अब अगर मैं पूछ रही हूँ क्यों, तो क्यों का तो रीजन आपको आता ही है, क्यों है सीट्स रिजर्व, वेरी गुड, सबसे पहले तो प्रमोट डिग्निटी ऑफ द सिटीजंस, डिग्निटी वर्ड भूल जाए तो रिस्पेक्ट, टू गिव प्रॉपर रिस्पेक्ट टू इट्स सिटीजंस, यू कैन राइट दिस इन दिस वे आल्सो, अगर आपको ये पॉइंट भूल जाए ना, टू प्रमोट द डिग्निटी ऑफ इट्स सिटीजंस, तो आप इसको इजी भी कह सकते हो, टू गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू इट्स सिटीजंस, तभी गवर्नमेंट ने ऐसे किया कि सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिले, और क्यों किया गया, वेरी गुड, कि वो लोग अपने राइट्स के लिए आवाज उठा सके, वेरी गुड, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, और ताकि ये लोग अपन दीज पीपल आल्सो हैव से इन पॉलिटिक्स, इनकी आवाज सुनी जाए पॉलिटिक्स में, और ये कहीं पे भी इग्नोर ना हो, इनको इनजस्टिस से बचाया जाए, डिस्क्रिमिनेशन से बचाया जाए, है ना, इसीलिए की ना रिजर्व। फिर साथ में बताओ कि इन इंडिया कितनी सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एंड हाउ मेनी आर रिजर्व फॉर एसटी, फिर साथ में ये बताओ, ठीक है ना, अगर आपको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे लिखना आ जाए एक, तो आप इस टॉपिक को लिख सकते हो, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में अगर आपको लिखना है तो कैन यू राइट, लिख सकते हो ना कि नहीं। अब एक मिनट मुझे इतना बताओ, नेक्स्ट टॉपिक नहीं अभी मैं आज कराऊंगी, सिर्फ इतना बताओ, हु डिक्लेयर्ड द डेट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन, हु डिक्लेयर्ड द डेट ऑफ टू फिल द नॉमिनेशन पेपर्स आल्सो, इलेक्शन कमीशन, नॉमिनेशन पेपर, फॉर एग्जांपल मैंने इश्मीत को बोला कि कैंडिडेट बनी, अब इश्मीत के साथ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलर सपोर्ट है, बट ये एक पेपर फिल करेगी, एक नॉमिनेशन पेपर जाके फिल करेगी, आप लोग इसके साथ जाओगे, ठीक है, तो वहां पे सेंटर में जाके अपना पेपर फिल करेगी विद सम सिक्योरिटी, मे बी 10,000, ठीक है, 10,000 डिपॉजिट करने के बाद ये नॉमिनेशन पेपर फिल करके आ गई। अब इसको आके ये दैट डेट इज डिक्लेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन, किस दिन तक नॉमिनेशन पेपर फिल करने, इसने फिल कर दिया, अब आके इसको घर पे आके लगा कि नहीं मुझे तो वोट्स नहीं मिलने वाले, मेरे लिए मुश्किल है ये काम, तो शी कैन विदड्रॉ, क्विट कर सकती है, दैट डेट इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड बाई इलेक्शन कमीशन, कि कैंडिडेट विदड्रॉ भी कर सकते हैं, अगर ये हार जाती है, इसने विदड्रॉ नहीं किया, इसने नॉमिनेशन पेपर फिल किया बट ये हार गई, तो जो इसने सिक्योरिटी दिया वो इसे वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो हार गई, अगर ये पहले विदड्रॉ कर लेती है फिर इसको वापस मिलेगी, क्योंकि ये एक दिन फिल करके आई, तीन चार दिन बाद इसे लगा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, तो इस वो डेट भी इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है नॉमिनेशन की, अब वो फिल करते वक्त इसको अपना पूरा रिकॉर्ड बताना है वहां पे कि इसके ऊपर